हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। और वैसे इससे पहले भी मैंने कुछ काम कर लिए हैं, लेकिन अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले ना मैं मट्ठा चलाने के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि मट्ठा चलाना है मुझे। एक दिन छोड़ के एक दिन मैं मट्ठा चलाती हूँ। वैसे तो ना अगर मैं डेली भी चलाऊँ तो हो जाएगा, लेकिन मैं डेली चलाती नहीं, फिर ना मट्ठा ज़्यादा पतली हो जाएगी और मुझे इतनी मट्ठा का करना भी क्या है। तो वैसे भी दूध में भी पानी में कम ही डालती हूँ, जिससे कि ना थोड़ी ही मट्ठा बने, पर फिर भी हमारे फैमिली के हिसाब से ना मट्ठा ज़्यादा ही हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने ना वो मशीन को अच्छे से चारों तरफ से बांध दिया है, पतीली के चारों तरफ भी कपड़ा लगा दिया है और मशीन लगा दी है। दूध चलने मट्ठा चलने लगा है। मैं ना हम अपनी भाषा में दूध भी बोल देते हैं कि दूध चल रहा है, बाकी वैसे मट्ठा ही चल रही है, दूध नहीं चलता है। तो अभी यहाँ पर बाकी के जो किचन के काम हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं तो सारे ही घर इस तरह से ही फैला हुआ रहता है कि पूरे घर को अच्छे से संगवाना पड़ता है। तो अभी मैंने ना जो उसमें डालते हैं कपड़े हॉट केस में, वो वाले कपड़े ले लिए हैं दोनों, और उन पर मैं सर्फ़ डाल करके और इनको मैं साफ़ करूँगी। मैं मशीन में इनको नहीं डालूँगी। और कपड़े जो हैं वो मैंने मशीन में डाल दिए हैं, लेकिन ये वैसे कपड़े हैं जैसे कि खाना रखते हैं, इनमें रोटियां रखते हैं, तो वो मैं अलग से ही धुलती हूँ। या फिर अगर पहले धुलने हैं सबसे पहले डाल दूँ, बाद में और कपड़े डाल दूँ, तो इस तरह से तो हो जाता है, लेकिन कपड़ों के साथ में नहीं डाल सकते हैं। तो मैं इनको हाथ से ही धुलने लगी हूँ। वैसे ये ज़्यादा गंदे नहीं हैं, पर इनमें ना जैसे खाना रखते हैं और डेली डेली अगर इनको साफ़ ना करें तो इनमें महक सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो इन पर ना सर्फ़ डाल करके और इनको साफ़ कर लेते हैं। साबुन था नहीं जो कपड़े धोने वाला है, वरना मैं उससे भी कर लेती। वैसे भी सामान ख़त्म हो रखा है तो सामान मंगवाना भी है, और वैसे एक आधा साबुन की एक आधा साबुन की टिक्की तो अभी रखी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल्कुल है ही नहीं, पर वही है सर्फ़ से ही धुल लिए हैं मैंने इनको, सर्फ़ से ही साफ़ कर लिया है। अभी 5-6 बार इनमें ना पानी निकाल लूँगी, जब तक ये अच्छे से साफ़ नहीं हो जाते हैं तब तक, और इनको सुखा दूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ इधर, हवा चल रही है, आप देख सकते हो हवा बेशक चल रही है लेकिन गर्मी ना बहुत ही तेज़ वाली हो रखी है, बहुत तेज़ वाली गर्मी है। और धूप सुबह से ही ना इतना तेज़ हो जाती है कि जैसे दोपहर हो गई हो। आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ वाली धूप है, बिल्कुल भी ना धूप में निकलने का मन नहीं होता। और जो काम ना सुबह के टाइम हो जाए, जितना काम हो जाए उतना अच्छा ही अच्छा है, बाकी ना शाम के टाइम तो इतनी गर्मी हो जाती है। दोपहर के टाइम तो रहती ही है, लेकिन शाम के टाइम भी इतनी गर्मी हो जाती है कि बिल्कुल भी काम करने का मन ही नहीं होता है। तो अभी यहाँ पर मैं धुलने लगी हूँ जो हमारा इधर का खुला हुआ एरिया है, पहले उसको ही धुल लूँगी क्योंकि डेली ही धुला जाता है। और इधर ना पत्ते और धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अभी ना हवा चलती है तो उससे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। वैसे तो मैं डेली ही धुलती हूँ, चाहे धूल मिट्टी इकट्ठा हो या ना हो, लेकिन ये डेली का रूटीन है मेरा कि हाँ यहाँ पर धुलना है। जैसे कि झाड़ू का, पोचे का और बर्तन का इस तरह से हो जाता है, ऐसे ही ये होता है कि डेली का मेरा ये रूटीन है कि इधर मुझे धुलना है, चाहे पोछा लगाओ या धुलो। वैसे पोछा तो मैं कम ही लगा रही हूँ, अब इधर मैं धुल ही देती हूँ, जिससे कि झाड़ू और पोछा दोनों का काम एक साथ ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी यहाँ पर धुल रही हूँ, और अभी ये नई झाड़ू है ना, तो इसमें से थोड़ी थोड़ी झाड़ू टूटती रहती है जल्दी जल्दी से। कुछ दिन ऐसा रहेगा, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ दिन तो इस तरह से रहती ही है झाड़ू। तो अभी यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ, पत्ते ना एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, पानी नीचे जा नहीं रहा है, और मैं इस पर ना अच्छे से पानी डाल रही थी कि जिससे कि जितने भी ये पत्ते हैं ना सभी नीचे चले जाएं, इनमें ना पत्ते ना रहें, क्योंकि इधर ना नीम के पत्ते इकट्ठे हो रहे थे। वैसे तो हमारे घर में या घर कहीं पर भी नीम का पौधा नहीं है, पर आ ही जाते हैं हवा में इधर उधर से पत्ते वगैरह, धूल मिट्टी, और इधर कोने में आकर इसलिए इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि दीवार है ना, दीवार के साइड में ना धूल मिट्टी सब इकट्ठी हो जाती है जितनी भी होती है। तो अभी यहाँ पर ये धुलाई तो मैंने कर दी है अच्छे से, इसको झाड़ भी दिया है, जैसे कि जाले वगैरह इधर उधर साफ़ करते हैं वो काम भी मैंने कर दिया है। और उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, मट्ठा मैंने चला लिया है, और अभी यहाँ पर
मट्ठा चलाने के बाद हमारी गुड़िया रानी भी सो करके उठ गई है, तो अभी उसके लिए भी ना मुझे चाय वगैरह देनी है। और उससे पहले मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी दवाई ले लूं, और दवाई ना मैं ले ही नहीं पा रही हूं, लापरवाही कर रही हूं। वैसे ना मैं सच बताऊं, मुझे याद तो रहता है दवाई का, लेकिन ना ये इतनी ज़्यादा कड़वी लगती है पीड़े कि बहुत ही ज़्यादा लगती है। इसी वजह से ना मेरा मन नहीं होता कि मैं इसको पी लूँ, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि चाहे वो कड़वी लगे या कैसी भी लगे, लेकिन अभी मुझे पीनी है, तो मैं यहीं पर लेकर के आ गई थी। और मैं अभी इसको ना फ्रिज में रख दूँगी पीने के बाद, क्योंकि दवाई भी ना इतनी ज़्यादा गर्म हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा, पीने को भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी थी। तो अभी मैंने पानी पी लिया, और इतना ज़्यादा बहुत ही कड़वा कड़वा सा मुँह हो जाता है, काफ़ी देर तक तो ना बहुत ही बेकार बेकार सा रहता है। और अभी फिर उसके बाद दवाई पीने के बाद मैं यहाँ पर ना डस्टिंग करने लगी हूँ, जो भी किचन की डस्टिंग है वो कर लूँगी। और जो हमारे सामने की वो है स्लिप है, उस पर मैंने डस्टिंग कर दी है, साफ़ कर दिया है। बर्तन वगैरह जो जाल रखा हुआ है उधर से मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और अभी मैं चारों तरफ से इसको साफ़ कर लूँगी अच्छे से। हवा चल रही है आप देख सकते हो, लेकिन हवा का ना बिल्कुल भी पता नहीं पड़ रहा कि हवा चल रही है, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। सच बताऊँ ऐसा लगता है कि धूप में ना बिल्कुल भी काम ना करूँ, बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो ऐसा होता है कि जो धूप में करना पड़ जाता है, क्योंकि इधर धूप आती है, जो बाहर की साइड है ना बालकोनी में, उधर धूप आती है सुबह सुबह में, बाकी ना पूरे घर में धूप नहीं आती है। अगर घर में भी धूप आए ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी यहाँ पर मैं किचन की सफाई करने लगी, और मुझे ना इतनी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि मैं एडिटिंग कर रही हूँ रात के टाइम में। सुबह दिन में ना मुझे टाइम नहीं मिला था, वैसे मैं दिन में भी कर देती हूँ, लेकिन आज टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा कि चलो रात में कर लेते हैं, क्योंकि अपना काम तो ख़त्म करना ही करना है। अभी मैं इस वाले रूम में आ गई हूँ, और जब से मैं गांव से आई हूँ मेरा बैग इस तरह से कपड़ों का रखा हुआ है, क्योंकि मैं खुद से नहीं रख रही हूँ। वैसे ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं रख नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं उस दिन रखूँगी इसको जिस दिन मैं इन सब कपड़ों पर प्रेस कर लूँगी, मेरे पास टाइम होगा। अभी तो मैं घर को ही संगवा रही हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा घर फैल गया है कि उसको ही संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जब मुझे टाइम मिलेगा उसके बाद मैं एक दिन इन कपड़ों पर प्रेस कर दूंगी जो बैग में रखे हुए हैं, फिर मैं इन कपड़ों को अंदर रख दूंगी। इसी वजह से मैं बैग से ना इनको खाली नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खाली करने के बाद क्या होगा कि सभी सामान अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे, और फिर बार बार चीज़ों को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने अभी जो कपड़े बाहर रखे हुए थे बैग से बाहर निकाल लिए थे, उन सबको वापस से बैग में रख दिया है, और अच्छे से बैग को कर दिया है बंद। और जो कपड़े इस अलमारी में रखने के हैं उनको मैं अलमारी में रख दूँगी। पूरे दिन में ना अलमारी भी मैं कई बार अच्छे से सही कर देती हूँ, फिर भी ना ऐसा लगता है कि फैली हुई है, क्योंकि अनुष्का के पापा जी सुबह में आते हैं नहाते हैं तब वो फैला देते हैं, और कभी दोपहर में आ जाएँ तब भी वो फिर आ करके नहाते हैं तब भी वो फैला देते हैं। तो इस तरह से, और अपने जब तक हम अपनी चीज़ को अपने सही तरीके से ना रखें, चाहे फिर उसे कोई भी रख दे, वो हमारी समझ में नहीं आता है। अनुष्का के पापा जी चाहे वो कितना ही अच्छा करके रख जाएं, लेकिन वो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, मुझे दोबारा से करना ही करना है। इसलिए उन्होंने भी सोच लिया है कि अब जब इसको दोबारा करना है तो फिर मैं क्यों अब करूँ, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर जो भी कपड़े गंदे हैं जो धुलने के लिए डालने हैं उनको देख रही हूँ मैं, लेकिन ये सॉक्स ना सही थे, बढ़िया थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको वापस से रख देते हैं। अगर और कोई कपड़ा मिलेगा तो उसको फिर मैं क्या करूँगी, ले जाऊँगी धुलने के लिए। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें देख ली हैं, इनको झाड़ दिया है, साफ़ कर दिया है, और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ यहाँ पर थोड़ा सा काम, जो कि मैंने कल सोचा था कि हाँ कल मैं इसको निपटा दूँगी। और यहाँ है ये सूजी, तो सूजी में ना हल्की हल्की सी थोड़ी थोड़ी सी ना सुरसी होने लगी है, तो मैंने सोचा कि इसको छानते हैं, सुखाते हैं, और तब फिर इसको डब्बे में भरते हैं, क्योंकि सूजी, मैदा और जैसे कि छोले, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, चाहे अगर इनका जल्दी जल्दी से ध्यान ना रखा जाए, टाइम टाइम से इनको ना सुखाया जाए, देखा जाए, तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। एक साबुत मसूर की दाल भी बहुत जल्दी से
ख़राब होती है। तो आज मैंने सोचा कि चलो धूप भी अच्छी सी निकली हुई है तो सूजी को सुखा लेते हैं, पहले इसको छान लेते हैं और फिर इसको सुखा लेंगे। तो इसीलिए मैंने पहले इसको छानना ही शुरू कर दिया है। और सूजी ना मुझे दो जगह पाई थी रखी हुई, तो मैंने सबको एक जगह ही कर लिया है क्योंकि एक जैसी तो है सूजी, तो उसको अलग अलग क्या करना, एक डब्बे में करके रख दूँगी सुखा करके। अभी तो सिर्फ मैंने इसको छाना है और मैं देख रही हूँ कि इसमें कुछ और तो नहीं। और एक मैं ना एक सूजी डब्बे में एक में ये भी निकल आई थी, आप देख सकते हो जो भी मैंने छानी है। तो अभी हमारी सूजी छनने का काम तो हो गया है ख़त्म, और अभी मैं एक दो बार और देख रही थी छान करके कि कहीं कुछ और ना निकले, कहीं कुछ और ना निकले। और जब तक मुझे दिखाई दिया कि हाँ निकल रहा है तब तक ना मैं निकालती रही, और जब मुझे लगा कि अब कुछ भी नहीं है तब मैंने इसको छानना बंद किया था, क्योंकि एक बार में नहीं निकल पाता है, दो तीन बार तो चीज़ को छानना ही पड़ता है। तो अभी मैंने ना दो बार तो इसको छान लिया है, अभी तीसरी बार फिर से छान रही हूँ कि कहीं भी इसमें कुछ ना रहे। जब तक अच्छे से साफ़ नहीं हो जाती है कोई भी चीज़, जब तक ना हमारा मन नहीं मानता है। तो अभी मैंने उसको साफ़ कर लिया है, और उसको साफ़ करने के बाद मैं उसको सुखा करके आ गई हूँ बाहर धूप में। और थोड़ा सा डर है कहीं बंदर ना आ जाए, पर ये अच्छा है कि दोपहर के टाइम में ना बंदर नहीं आते हैं, वो शाम में या सुबह में ही आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सुखा देते हैं, और वैसे भी मैं उसका ध्यान रखूँगी, जल्दी जल्दी से देखती रहूँगी। वैसे तो विंडो भी खोल दूँगी, वहाँ से भी दिखता रहता है, पर फिर भी मैं गेट खोल करके ही देखाऊँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने सुखा दिया है और फिर मैं आ गई हूँ अंदर। यहाँ पर ना चीज़ों को अच्छे से संगवाने लगी हूँ, डस्टिंग करने लगी हूँ, अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, संगवा दूँगी, फिर मैं इस रूम में झाड़ू भी लगाऊँगी। और डेली डेली हम डस्टिंग करते हैं और डेली डेली ना धूल भी निकलती है। अगर हम जैसे कि सब जगह कपड़ा लगा लें और एक जगह ना लगाएं ना, वहीं पर दिखाई दे जाएगा कि हाँ यहाँ पर धूल मिट्टी है और यहाँ पर हमने सफाई अभी अच्छे से नहीं की है। तो अभी यहाँ पर मैंने उधर डस्टिंग की थोड़ी सी, और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं प्रसाद लेकर के आई थी, और ये प्रसाद ना मुझे बंटवाना भी है, तो क्यों ना इसको एक पोलोथीन में कर देते हैं। जैसे कि एक पोलोथीन में कर दूँगी, उसमें ही मिला दूँगी, जैसे मीठी ये है सिबोनी है और मीठी मीठी चीज़ें हैं, उनको सबको उसमें मिला दूँगी। तो अभी मैंने इसको खोल लिया है और ये पोलोथीन ले ली है, इसमें ही मैं सोच रही हूँ सारे जो और जो प्रसाद है इसी में मिक्स करके और फिर मैं एक पोलोथीन में भर दूँगी, क्योंकि बंटवाना है तो थोड़ा सा तैयार तो करना ही पड़ेगा, अपने घरों में देना है। और जैसे ही मैंने इसको खोला था ना, ये फैल गया था, पर ये अच्छा था कि ये चारपाई पर फैला था, एक आधा दाना ही नीचे गिरा होगा, बाकी तो सभी ना चारपाई पर ही फैला था। और मैंने भर भी लिया था साथ के साथ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करने का ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, और मैं तो ना 3 दिन हो गए हैं लगातार मैंने एक दिन भी सूट नहीं पहना है। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि इनमें ना आराम मिलता है प्लाजो में और टी शर्ट में, सूट में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने तो दो तीन दिन से ना पहना ही नहीं है सूट। लेकिन मैं सोच रही थी कि नहीं, इस तरह से कोई भी चीज़ ना हमें छोड़नी नहीं चाहिए, फिर हमें ना उसकी आदत ख़त्म हो जाती है, तो हमें सारी चीज़ें एक साथ लेकर के चलनी चाहिए। तो देखती हूँ आज पहनती हूँ या नहीं, मन तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं पहन पाऊँगी, क्योंकि जब तक काम ख़त्म करती हूँ दोपहर हो जाता है, और दोपहर को तो इतनी तेज़ वाली ना गर्मी लगती है, बहुत तेज़ वाली धूप और गर्मी। और आप देख सकते हो मैंने प्रसाद खाली किया है और भी कुछ सामान खाली किए थे, तो उसकी पोलोथीन कितनी ज़्यादा इकट्ठी हो गई है अभी आप देख सकते हो। तो सभी को मैं इकट्ठा कर लूँगी, और झाड़ू और पोछा दोनों के लगने से पहले मैंने प्रसाद का भी काम निपटा दिया है, क्योंकि मुझे देना था। अभी मैंने बंटवाया नहीं है पर तैयार करके रख दिया है, क्योंकि अभी ही मैं क्या करूँगी, उसको रख दूँगी ऐसे ही, शाम को अनुष्का पे भिजवा दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह अभी ना धूप बहुत तेज़ हो गई है, तो मैं भी नहीं चाहती कि मैं उससे बोलूँ और वो जाए ना, मैं चाह रही हूँ और वो तो क्या बोलेगी, उसको तो पता ही नहीं है अनुष्का को तो कि मम्मा प्रसाद बंटवाएंगी, जब भी बोलूँगी जब मैं बंटवाऊँगी अभी से नहीं बोलूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा ली है इस रूम में, और इस रूम की ना डस्टिंग भी कर दी है, झाड़ू भी लग गई है, ये वाला काम हो गया है इस रूम का ख़त्म, और अब सिर्फ इस रूम में तो पोछा लगाना ही बाकी रहा है, वैसे काम ना ख़त्म हो गया है। तो अभी झाड़ू भी लग गई है, और अभी लेकर के चलते हैं जो भी यहाँ से मुझे ले जाना है ना, जो भी सामान उसको बाहर लेकर के चलते हैं, क्योंकि झाड़ू लग गई है तो इसका काम ख़त्म हो गया है, तो इससे सामान भी निकाल लेते हैं जो निकालना है और फिर चलते हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ इधर की साइड, और घर का काम था ना वो ख़त्म हो गया है, और जो हमारा बेडरूम है ना उसमें भी मैंने पोछा लगा दिया है,
और उसके बाद आ गई हूँ मैं इधर बरामदे में पोछा लगाने के लिए। आप देख सकते हो मेरी फुलवाड़ी कितनी अच्छी लग रही है देखने में, मुझे बहुत सुंदर लगती हैं। मैं तो ना सुबह में भी इनको थोड़ी सी देर देखती हूँ कि कितनी प्यारी लग रही हैं। एक आधा फुलवाड़ी पर फूल खिल रहा है और एक आधा ऐसी भी है जिस पर फूल ना ही खिल रहा है और ना ही खिलेगा। उनके पत्तों की ही सेवा शोभा होती है, मैं बोल रही हूँ सेवा सॉरी, उनके पत्तों से ही ना बहुत अच्छा लगता है। कुछ फुलवाड़ियाँ ऐसी होती हैं, तो दोनों तरह की लेकर के आए हैं हम, जो जो हमारी समझ में आई, जो जो हमें अच्छा लगा वो हमने ले ली हैं। और एक साथ तो सारी नहीं ली हैं, मैं ना 7 गमले लाई थी, लेकिन मेरा मन है कि जैसे मैं जब भी भैया के पास जाऊं आते टाइम ना एक आधा पौधा ज़रूर ले आऊं, जिससे कि ना घर की भी शोभा बढ़ी रहेगी और अच्छा रहेगा, देखने में बड़े प्यारे लगते हैं। तो अभी यहाँ पर जो भी गमले रखे हुए हैं ना उनके नीचे से मैं पोछा लगा रही हूँ, उनको हटा हटा करके, क्योंकि इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते हैं कि गमले रखे हुए हैं तो अब हम उनके नीचे ना पोछा ना लगाएं या झाड़ू ना लगाएं, फिर तो वहाँ पर इतना गंदा हो जाएगा कि हमने कभी अचानक में ही गमलों को हटाया तो देखने में हमको खुद भी शर्म आने लगेगी। तो इसलिए यह है कि साथ के साथ डेली की डेली मैं झाड़ू और पोछा दोनों करती हूँ गमलों के नीचे, गमलों को हटा करके। और ऐसे लगते हैं देखने में गमले जैसे कि मिट्टी के हों, लेकिन ये मिट्टी के नहीं हैं। अब तो ना गमले इस तरह के ही चल रहे हैं। मिट्टी का क्या होता है, थोड़ा डर रहता है, वजन भी ज़्यादा होता है उसमें और उसका थोड़ा सा डर भी रहता है कहीं गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, तो ये चीज़ें रहती हैं। अभी मैं तो ना इसके ही लाई थी प्लास्टिक के, उन पर और वो थे भी, यही थे, वो नहीं थे मिट्टी वाले, और यही चल रहे हैं। मैंने देखा है काफ़ी जगह, मैंने देखा है कि इन्हीं कपलों को यूज करते हैं अब सभी। तो अभी मैं इसकी अच्छे से सेटिंग कर रही थी, क्योंकि सेटिंग करने में बड़ा टाइम लगता है, अच्छे से करना, रखना, सही करना, फिर देखना सही से हुआ है या नहीं हुआ है, पहले जैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है ना, वो चीज़ें रहती हैं। तो मैं वही देख रही हूँ अब कैसा लग रहा है, आगे तो नहीं है ज़्यादा, पीछे तो नहीं है, तो आगे पीछे से देखना, फिर सही से उसको सही जगह पर रखना करना। तो अभी ये काम ख़त्म मैंने कर लिया है और घर का ना पोचा भी लगभग लग ही चुका है। अभी 2 रूम और किचन रह रहे हैं, बाकी इधर मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं पोचा लगा लूँगी और इस वीडियो का मैं यहाँ पर एंड भी करूँगी। मिलते हैं कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।